टिपिंग करते समय बनने वाले एंगल कि कौन कौन से एंगल बनते हैं। मुख्य रूप से बनने वाला एंगल है रेक एंगल, इसका पॉइंट एंगल और ये क्लियरेंस एंगल। तीन प्रकार के एंगल बने हुए हैं। सबसे नीचे वाला है उसे कहते हैं अवकाश या क्लियरेंस एंगल। ये जो बीच का है इसे कहते हैं चित्र का पॉइंट एंगल और ये रेक एंगल। इसको निम्नलिखित की भाषा में एल्फा बीटा एंड गामा ये तीन नाम भी दिए गए हैं, एल्फा बीटा और गामा ये भी शब्द कहा गया है। तो ये रेक पहला है रेक एंगल। तो रेक एंगल क्या होता है और क्या काम करता है रेक एंगल? रेक एंगल हमेशा चिप्स को क्लियर करने के काम में आता है। भले वो किसी भी कटिंग टूल में हो चिप्स यहां से बाहर की तरफ निकालते हैं तो ये रेक एंगल वहां काम आता है। बात करें क्लियरेंस एंगल की, क्लियरेंस एंगल का नाम से ही पता है कि इसका नाम अवकाश कोण है। तो ये नीचे का जो एक एंगल है वो अवकाश कोण कहलाता है। अब ये 60 डिग्री मान लो ये और अपन 10 डिग्री का ये एंगल बना रहे टोटली जो हो गया 90 डिग्री का। अब हमें अगर रेक एंगल निकालना हो तो इन दोनों एंगलों को जोड़ते हुए 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे तो बचेगा जो रेक एंगल होगा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि अगर चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल जीरो हो, अगर क्लियरेंस एंगल जीरो हो तो क्या होगा? काटने की बजाय चिजल स्लिप हो जाएगी, काटने की बजाय चिजल खुद स्लिप हो जाएगी और चिपिंग नहीं कर सकेगी। तो दूसरा, अगर ये जीरो होगा तो क्या ये रेक एंगल बढ़ जाएगा, जितना ये कम होगा उतना रेक एंगल बढ़ेगा। तो जितना रेक एंगल कम होता जाएगा अवकाश कोण बढ़ता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये कम होगा ये बढ़ेगा, ये कम ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस रेक एंगल की। अगर रेक एंगल जीरो, अगर रेक एंगल जीरो हो तो क्या होगा? रेक एंगल अगर जीरो हो तो डायरेक्ट वो कटिंग करेगी चीजें, वो क्या करेगी? कटिंग करेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ये खड़ी हो जाएगी। जीरो होगा तो ये चीजें इस अवस्था में आ जाएगी और ये चिपिंग की बजाय कटिंग करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये रेक एंगल क्लियरेंस और ये जो एंगल है इन्हीं के बारे में लगभग पूछा जाता है। केवल दो क्वेश्चन बन रहे हैं, जीरो हो तो क्या होगा, ये एंगल दिए हुए हो तो आपको रेक एंगल का पता चल जाएगा, 90 में से इन दोनों को जोड़कर माइनस करना तो ये क्लियर हो जाएगा। ये जिसके क्लियर है तीन नंबर उसके क्लियर है। यहां नहीं तो आगे कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब ये जो पॉइंट एंगल है वो अकॉर्डिंग टू मेटेरियल चेंज होता है, धातु के अनुसार अलग अलग होता है। प्रत्येक धातु के लिए अपन कटिंग एंगल अलग अलग रखते हैं। इसकी एक सारणी बनी हुई है, मान लो एमएस के लिए पूछा तो 55 डिग्री है। पीतल के सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है और हार्ड धातुओं के लिए ज्यादा रखा जाता है। तो 60, 65, 45 और 30 ये धातुओं की एक सारणी बनी हुई है और उसके साथ उसका एंगल दिया गया है। अधिकतर जो पूछते हैं वो माइल्ड स्टील के बारे में पूछते हैं कि माइल्ड स्टील पर कर्तन करते समय चिजल का एंगल कितना रखा जाता है? 55 डिग्री। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिजल का। बाकी टाइप्स ऑफ चिजल में हम आगे पढ़ेंगे कितने प्रकार की चिजल होती है और उसका क्या क्या प्रयोग है। अलग अलग प्रकार की चिजलों का अलग अलग प्रयोग है। ये हाइकारोन स्टील की बनी हुई थी, अष्टभुजा का तोड़ द्वारा बनी हुई। ठीक है।